ये वाला जो बलून देख रहे हो ना आप, ये वाला, तो ये वाला बलून उड़ चुका है। तो भाई मैं जा रहा हूँ पानी लेने, कि खाना बनाने के लिए पानी तो लगेगा। तो भाई ये रही वो वाली पाम जहाँ पे हम रात को आके सो गए थे। और भाई चढ़ा दिया चावल, और अभी चावल पकेंगे अपने इधर। सब्जी वो पीछे की दुकान से, ये रही सब्जी, और जाएंगे गाड़ी पे पकाएंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल, सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक ही होना चाहिए। तो भाई आप लोगों को मेरी तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और हम लोग हैं अभी आसाम पे। जो प्याज लोड होता हुआ था बिहार पे, वो प्याज लेकर चले आए आसाम पे। अभी आज तो खाली नहीं होगा, सुबह को खाली होगा रात को। तो अभी इधर खड़ा है, इधर एक पाम है इंडियन ऑयल पाम का, जो इधर आसाम में है उधर खड़ा है अभी। तो जाएंगे रात को खाली करने, तब दिखाएंगे आप लोगों को अनलोड के अनलोड कैसे होता है प्याज इधर, कौन कौन से लोग करते हैं। तो दिखाएंगे आपको रात को अनलोड, और होगा बॉर्डर के पास भी अनलोड होगा, जो चालान में लिखा है जैसा वैसा ही खाली होगा, वो भी अनलोड होगा। तो दिखाएंगे आपको आज अनलोड। और अभी सुबह के 10 बज रहे, तो हम लोग उठे, पाम में थे, फ्रेश व्रेश हुआ हम दोनों, भाई भी गए हैं अभी मुँह धोने। तो वो आएंगे तो जाएंगे चाय पीने, और चाय पीने पर पीने के बाद जाएंगे हम लोग मार्केट, क्योंकि भाई खाना भी पकाना होता है, खाना होता है। तो मार्केट से लेके आएंगे, जो भी मिलेगा लेके आएंगे, पकाएंगे और खाएंगे। तो दिखाएंगे आपको आज खाना पकाना, कि गाड़ी में खाना कैसे पकता है। तो जाएंगे मार्केट, खाना लेके आएंगे, पकाएंगे और खाएंगे। तो भाई पिछली वीडियोस कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताना आप लोग, क्योंकि वीडियोस ऐसे आता रहेगा। और थोड़ा सा लेट हो रहा है पता है मुझे वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। करते 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 जब हैबिट हो जाएगा ना उसके सामने, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, चलो ऐसे वीडियो आते रहेंगे। शायद थोड़ी लेट होगी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो जाएंगे अभी हम मार्केट, और दिखाएंगे आपको मार्केट का व्यू। पहले आएंगे चाय पीने जाएंगे पहले इधर, इधर ही दुकान है शायद, हाँ उधर ही एक दुकान है। तो जाएंगे चाय पीने, और मिलते हैं आपको चाय पीने के बाद। भाई चाय वाय पी लिया, जाने वाले हैं मार्केट, और मैं जा रहा हूँ मार्केट, भाई बैठे गाड़ी पे, और दिखाएंगे आपको मार्केट के मार्केट कैसा है। सब्जी वब्जी खरीदेंगे और जाएंगे मार्केट। भाई को बोला आने के लिए लेकिन भाई नहीं आया। मैं जा रहा हूँ अकेले मार्केट, चिकन खरीदेंगे। ये रही मार्केट की रोड, मेन रोड पे मार्केट के पास गया नहीं, थोड़ा सा दूर है, वो चौक पर है, उसमें डाने साइड घूमना पड़ेगा। तो मार्केट का रोड यही है, और जाएंगे मार्केट लेके आएंगे सब्जी वगैरह, चिकन वगैरह जो भी मिलेगा, और फिर पकाएंगे गाड़ी पर। भाई चलते हैं मार्केट, चलिए। तो भाई ले ली चिकन, और अभी तक है हम लोग मार्केट पे, और जा रहे हैं सब्जी लेने। तो ये रही भाई चिकन की थैली, और जा रहे हैं मार्केट और लेंगे सब्जी, और फिर जाएंगे गाड़ी पे और पकाएंगे खाएंगे। तो भाई ले ली सब्जी वो पीछे की दुकान से, ये रही सब्जी, और जाएंगे गाड़ी पे पकाएंगे और खाएंगे। अभी थोड़ी और मार्केट करना बाकी है, थोड़ी करेंगे अभी, देखते हैं और क्या क्या बाकी है। सब्जी मंडी तो निकलते हैं रास्ता मेन रोड पर, देखते हैं क्या क्या। भाई गया था भाई मार्केट, मार्केट हो गई अपनी ओके, और जा रही अभी गाड़ी के पास, जाएंगे खाना बनाएंगे और खाएंगे। ये रही हम लोगों की मार्केट, ले लिया सब कुछ, चिकन, खीरा, टमाटर, मिर्चा और आलू सब कुछ ले लिया। गाड़ी पे जाएंगे पकाएंगे और अभी खाएंगे। तो भाई मिलते हैं गाड़ी पे जाकर, और आज दिखाएंगे आप लोगों को खाना पकाना, कि गाड़ी पे खाना कैसे बनता है। तो दिखाएंगे गाड़ी पे खाना पकाना,
देख के मजा लेता रहता है आप लोग भी, ठीक है। तो भाई ये रही वो वाली पाम जहाँ पे हम रात को आके सो गए थे, और फिर तकरीबन रात के 12-1 बजे आए और इधर रह गए इस पाम पे सो गए। अभी सुबह उठा 10 बजे तो फिर भी सुबह मैं तो गया था बाज़ार, आप सभी को सब दिखा। तो भाई जाने वाला है मार्केट से बाज़ार, और ये रही अपनी बसंती जो खड़ी है अभी इधर जाएंगे। भाई मैं जा रहा हूँ पानी लेने, कि खाना बनाने के लिए पानी तो लगेगा, तो जा रहा हूँ पानी लेने पाम के अंदर। और ये रही अपनी डिब्बा पानी का, इसमें से इसमें लाएंगे पानी और पकाएंगे खाना। तो मिलते हैं। तो भाई ये रही अपनी बर्तन रखने की जगह जिसमें हम रखते हैं बर्तन वगैरह, और खुल की जगह सब कुछ सामान वगैरह रखते हैं, क्योंकि भाई गाड़ी के बिन उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, क्योंकि भरतवंश की गाड़ी है हमारी, कंपनी ने उसी तरह से मॉडिफाई किया है कि दो लोग आराम से सो सकते हैं। बाकी सामान वगैरह का उतना जोल जाल नहीं है, इधर ही रखते हैं। ये तार क्या है, इधर सब कुछ रखा हुआ है सामान वगैरह। इधर चीटी कितना है यार, पैर पे काट रहा है। तो इधर है हम लोगों का सामान, ये साबुन, ये कुकर, मिर्ची, तेल, ऑयल वगैरह। इधर है बर्तन, बस्ते का हालत देखो क्या हो गया। बस्ते की हालत देखो यार क्या हो गया, लगता है कहीं से छुड़ा के लाए हैं बस्ता। क्या होता है ना, गाड़ी उछलता है तो वो बर्तन के वजह से बस्ता काट जाता है। और ये रही अपनी गैस चूल्हा जिसमें पकाएंगे खाना। ये रही चावल की अंडा जिसमें चावल चढ़ाएंगे। एक दिन लिया था वहाँ पे थोड़ा सा भिंडी अदरक वगैरह, तो ये सब करते हैं अभी साइड, अभी निकालेंगे इसको। तो भाई चढ़ा दिया चावल, और अभी चावल पकेंगे अपने इधर, और मैं जाऊँगा गाड़ी पे और देखूँगा कि सब्जी काटना कैसे है। भाई काट रहे हैं अंदर सब्जी, मैं जाऊंगा गाड़ी पे, मैं भी काटूंगा सब्जी। चलो मिलते हैं गाड़ी पे। भाई ये रही अपनी चिकन, अभी मिक्स होके रखा हुआ है, और उधर बज रहे हैं आलू। तो चिकन मिक्स करने से ना मसाला अंदर जाता है, तो चिकन का टेस्ट भी अच्छा आता है, खाने में भी अच्छा लगता है। इसको अभी करेंगे फ्राई, और आलू रख देंगे उठा के थाली पर। तो चिकन फ्राई करते समय आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है खाना। तो भाई ये रही अपनी सब्जी और चावल जो पूरे पक के रेडी हो गए हैं अभी खाने के लिए। तो अब भाई गए नहाने, मैं भी नहाने जाऊंगा, फिर आएंगे खाएंगे और जाएंगे अनलोड करने। तो अनलोड को वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे अनलोड होता है। अभी खबर मिला पाम पे भी थोड़ी माल अनलोड होगी, तो मैं जाऊंगा नहाने और खाने, नहाने तो फिर नहा के आऊंगा और फिर खा के चला जाऊंगा। तो आपको दिखाता हूँ सब्जी थोड़ा कैसा हुआ है। ये रहा चिकन, कलर देख सकते हो भाई, बहुत मस्त कलर बनी है एकदम, खा के देखेंगे कैसा लगता है। और ये तो चावल, चावल आपको क्या दिखा है, चावल तो सबके एक जैसे होते हैं। तो फिर मैं जाऊंगा अभी नहाने गाड़ी साफ करके, क्योंकि गाड़ी भी बहुत गंदा हुआ पड़ा है। ये देखो सब, पता नहीं धूप में शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो बहुत ही मैल धूल जमे हुए हैं, क्योंकि कल पूरी रात फुल नाइट ड्राइविंग करके आए हम और भाई। अभी भी देखो पल के नीचे हो रहा है भाई, हाँ भारी हो रही है, बहुत नींद आ रही है, सोना पड़ेगा खाने के बाद। देखेंगे अगर टाइम होगा तो सो जाएंगे 1 घंटा, वरना अनलोड करने जाना पड़ेगा। तो अभी गाड़ी साफ करूँगा, नहाने जाऊँगा, फिर जाएंगे अनलोड और दिखाएंगे आज आपको आसाम की रोडवे। आसाम की रोडवे तो उतना दिखाया नहीं आप लोगों को, वो सेकेंड वीडियो में शायद आप लोगों को थोड़ा दिखाया था,
तो आज आप लोगों को दिखाएंगे पूरा असम का रोड। अभी लोकल रोड है, हाई रोड नहीं है, ये लोग हाई रोड से 100 किलोमीटर घुस के आए हैं खाली करने। तो आप लोगों को दिखाएंगे रोड कैसा, और वहाँ पे पार्टी के घर पे जाके दिखाएंगे आप लोगों को गाड़ी का अनलोड। तो भाई मैं गाड़ी साफ करता हूँ, नहाता हूँ, फिर भाई सफर हो गया है, काट रहे हैं, चल रहे हैं रोड पर, भाई साहब चला रहे हैं गाड़ी और जाएंगे अभी अनलोड करने। अनलोड होगा किसी दूसरे पाम में, ये पाम में नहीं होगा, तो दूसरे पाम में जाएंगे अनलोड करने। और ये आसाम की रोड पे भाई, ये आसाम की रोड पे और जाएंगे अनलोड करने। अनलोड होगा बहुत पहुंच गए हैं उस जगह पे जहाँ पे गाड़ी हो गई अपनी अनलोड। और अभी पहुंचे हैं, थोड़ी देर हुआ। तो भाई अभी पता चला कि गाड़ी का जो बलून है ना, लिफ्ट का बलून होता है, वो हम लोगों का उड़ गया। और आते ही रहते तब आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ, जो नीचे में जो लोग थे वो चौंक गए कि यार गाड़ी में क्या हुआ, बलून उड़ गया सर। उन लोगों को तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब देखा नीचे उतर के तब देख पाया कि गाड़ी का बलून उड़ गया। तो भाई आगे ये भी दूसरा कोई पाम है इंडियन ऑयल का, इधर थोड़ी माल खाली होगा और जाके जो टाउन है सिटी के अंदर फुल माल अनलोड। तो उधर जाके दिखाएंगे आपको नाइट को, आप लोगों को नाइट में कि माल कैसा अनलोड होता है। और अभी तो फिलहाल इधर रहेंगे, इधर माल अनलोड होगा, उधर जाके आप लोगों को दिखाएंगे कि माल कैसे अनलोड होता है। और अभी दिखाते हैं आपको जो बैलून उड़ गया है गाड़ी का अंदर का। भाई ये गाड़ी के अंदर ये वाला जो बलून देख रहे हो ना आप, ये वाला, तो ये वाला बलून उड़ चुका है। तो अभी तो ये इसका काम ये होता है कि ये लिफ्ट को प्रेशर देता है पहिए को, जो पहिया हम ऊपर नीचे करते हैं ना बड़ा चक्का की, तो बड़ा नंबर चक्का ये जो बलून है ये पहिए को प्रेशर देता है और पहिए को उठाने का काम करता है। इसका काम सिर्फ यही है, लेकिन ये वाला बलून भी उड़ गया है। लेकिन अभी भी एक है जो ये वाला है ना, ये वाला अभी ठीक ठाक है, तो ये काम कर रहे हैं इसको प्रेशर से ही, यही अभी प्रेशर दे रहा है और यही अभी मतलब पहिए को उठा भी रहा है। भाई कोई बात नहीं, एक सही काम चलेगा तो मैं तो अभी निकल लूँगा गाड़ी के अंदर से और दिखाएंगे आप लोगों को अनलोड। वहाँ जाके सिटी के अंदर तो जाएंगे, तो सिटी के अंदर दिखाएंगे आपको अनलोड। तब तक तो बस नहीं है, और अभी पहुँचे हैं इधर, इधर थोड़ी देर रहेंगे, इधर कुछ माल खाली होगा तभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जितना अनलोड होगा और वहाँ पर भी जितना पूरा गाड़ी अनलोड होगा वो वाला भी दिखाएंगे। भाई गाड़ी हो रही है हमने अनलोड, पहुंच गए हम पॉइंट पर। अभी गाड़ी हो रही है अनलोड, यहाँ पे होगी हाफ अनलोड और जाएंगे दूसरी जगह पे जहाँ पे फुल होगा अनलोड। शायद आज नहीं होगा, कल होगा, आज अनलोड होगा शायद। ये जो बोरी है ना, ये वाले तक अनलोड होगा शायद, ये वाले तक। और जाएंगे फिर दूसरी जगह अनलोड करने। तो कुछ देर पहले आए इधर,
अनलोड करने, और इधर हाफ अनलोड होगा जाएंगे दूसरी जगह पे शायद, और थोड़ा अंदर है इसलिए शायद दिख नहीं रहा आप लोगों को अनलोड। अगर लाइट होता तो बहुत अच्छा होता शायद, एक मिनट लाइट जलेगी शायद। एक मिनट देखो शायद लाइट जल रही है। आप लोग सोच रहे हो कितने गाड़ी के नीचे क्या करना, क्योंकि कल रात को जब आए थे तब रास्ते में बड़ा बड़ा खड्डा था, तो खड्डे में गाड़ी गिरता है तो बहुत कुछ टूट जाता है घर का, तो कल लोग पायदा या फिर पानी वगैरह सब कुछ, इसलिए तो गाड़ी की इंस्पेक्शन चल रही है, गाड़ी के नीचे सब कुछ देख रहा हूँ कि ठीक ठाक है या नहीं सब कुछ। भाई बजे सुबह के 8 और हम अभी कल रात को ही आ गए थे होटल पे, तो होटल पे रुके थे रात के तकरीबन 12-1 बजे, इधर पहुँचे थे, इधर खा गए फिर सो गए इधर, क्योंकि कल जब अनलोड करने के लिए जाने वाले थे लेकिन पार्टी ने बोला अनलोड नहीं होगा तो नहीं गए उधर अनलोड करने के लिए। अभी तक सुबह तक फ़ोन पे बात भी नहीं हुई उनसे पार्टी से कि अनलोड होगा कि नहीं होगा, तो भाई शायद ये अनलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, शायद अनलोड नहीं होगा आज। और मौसम भी बहुत ख़राब है, मौसम का हालत भी उतना अच्छा नहीं है, बारिश होगा शायद, बहुत हालत ख़राब है शायद। कमरे में आपको नहीं दिखाई देगी बाहर की साइड, क्योंकि बाहर से लाइटें आ रही है तो नहीं दिखाई देगी। तो भाई कल आ गए थे इधर तकरीबन 2 बजे, इधर आए खा गए और सो गए, तो अभी तो जो वो वाला जो पीछे माल है उसका अनलोड आप लोगों को दिखाने वाला था, लेकिन क्या होगा अभी अनलोड ही नहीं होगा गाड़ी, तो कैसे दिखाएंगे, तो वीडियो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। तो भाई ये अनलोड तो शायद आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा, ये अनलोड करने के बाद जो लोड करूँगा उसका फिर लोड दिखाऊँगा, अनलोड दिखाऊँगा, तो इसका अनलोड दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी शायद आज भी शायद अनलोड नहीं होगा, गाड़ी खड़ा रहेगा इधर होटल पे, हम लोग भी रुके रहेंगे इधर ही खाएंगे रहेंगे, अभी जब पति फ़ोन करेगा तब जाएंगे उधर और खाली करेंगे। तो भाई ये वीडियो बस इतना था कि अगली वीडियो आएगा 2-3 दिन बाद, उसमें आप देख लेगा ना नए लोड अनलोड क्या माल लोड होता है, तो कमेंट पे ज़रूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी और असम की रोडवेज कैसी लगा, अनलोड कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मेरी वीडियो उन तक भी जाए, पहुँचे आपके दोस्तों के पास, वो भी देख के मज़ा ले सके वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पर नहीं उठूँगा, आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए भाई तो ही हो जाएगा, आप लोगों का सपोर्ट से हम जैसे यूट्यूबर ऊपर उठते हैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, तो भाई इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। तो भाई ये वीडियो बस इतना था कि मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, रब रखा।